हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम किया कि वीडियोस क्यों नहीं ला रहा हूँ। इसका मेन कारण ये है कि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मतलब स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा वीडियो डालूँ, और वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, उसमें टाइम लग जाता है। और अभी कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ दूसरे कामों में, जिस कारण से उसका जो एनालिसिस है वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी कारण से आज सोचा कि कमेंट से उठा लेता हूँ कोई एक टॉपिक, तो इसी कारण से ये वाला टॉपिक मैंने चुना है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस कुछ दिनों में, करीब 24 दिनों में शायद 1000 के करीब लोग अभी न्यू जुड़े हैं इस चैनल के साथ। तो सभी को वेलकम टू दिस चैनल। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के वीडियोस हम लोग शेयर करते रहेंगे। आज का टॉपिक शायद आपको अच्छा ना लगे उतना ज़्यादा, लेकिन देखिए वीडियो, हो सकता है आपको मालूम भी है इसके रिलेटेड चीज़ें। अगर मालूम है तो लाइक दबा देना, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो ख़त्म होते होते पता चली जाएगा, तो लाइक दबा के ज़रूर जाना। तो चलिए वीडियो के ऊपर जाते और बात करते आज का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। ये जो लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे मत बस इसी के रिलेटेड वीडियोज़ बनाता था मैं, और आपको आई बटन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें देखना सारा जितने डाउट्स है सब कुछ क्लियर करने की कोशिश किया था मैंने इंजन परफॉर्मेंस का जो सीरीज़ है उसमें। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये है ही गलत, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मतलब सीसी को हम लोग पावर के साथ कभी भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। सीसी होता है वॉल्यूम का यूनिट, और पावर होता है जो पावर है वो, पावर का यूनिट को हम लोग मतलब हॉर्स पावर कहते हैं, मतलब हॉर्स पावर एक यूनिट है। तो यहाँ पे दोनों अलग चीज़ है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिख के रखा है, कुछ गाड़ियों का मतलब पेट्रोल इंजन के गाड़ियों का और बाइक्स का स्पेसिफिकेशन है, जो आपको बताऊंगा तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1000 cc की कोई गाड़ी का स्पेसिफिकेशन पहले देखते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो मारुति सुजुकी का जैन जो आता था, जैन का 1000 cc जो मॉडल था, उसका अगर पावर की बात करें तो वो बस 60 horsepower निकालती थी। तो 60 horsepower 1000 cc में। उसके बाद अगर बात करें मारुति सुजुकी बेलेनो RS मॉडल, तो उसमें 1000 cc में आता है कितना पावर, 101 horsepower। तो यहाँ पे ज़्यादा है, 40 horsepower ज़्यादा है यहाँ पे करीब। क्यों है? क्योंकि उसमें टर्बोचार्ज लगा हुआ है, सब तो अलग बात है, वो तो हम बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर उसके रिलेटेड जानना है तो आई बटन में प्लेलिस्ट होगा, उसमें वीडियोस देखिए, उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें मैंने डिस्कस किया, पावर टॉर इन सब के रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें। तो ये तो होगी दो गाड़ी। अभी अगर बात करें बाइक्स की, तो BMW का GS 1250 जो है 1250 cc का गाड़ी है, और उसकी अगर पावर की बात करें तो है बस 130 horsepower। लेकिन BMW की S1000 जो है एक स्पोर्ट्स बाइक, उसकी अगर बात करें तो 1000 cc में वो निकालता है 200 horsepower। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि अगर कोई कंपनी जानबूझ के पावर कम लगाती हो, वो रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग लगाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में बताते हैं ये चीज़ कि होंडा के गाड़ी में, बजाज के गाड़ी में पावर कम होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं बना पाता, कंपनी तो बना सकते हैं ज़्यादा पावर। रिक्वायरमेंट अगर हुई है ही नहीं इंडियन मार्केट में, या फिर वो जिस कारण के लिए बनाई जा रही है वो गाड़ी, तो वो लोग डालेंगे नहीं उतना पावर। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी आखिरी मोटरसाइकिल जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब मेरा तो फेवरेट है, और हो सकता है आप सभी का भी फेवरेट हो, ये है कावासाकी H2R, निंजा H2R। इसकी अगर पावर की बात करें तो ये 1000 cc में 998 cc, 1000 cc से 2 cc कम, इसका पावर आउटपुट है 322 horsepower। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कहाँ पे जैन का 1000 cc जो मॉडल है उसका पावर था 60 horsepower, और यहाँ पे वही 1000 cc पावर प्रोड्यूस करता है 322, और शायद ये इंजन उस इंजन से छोटा भी हो, मतलब साइज़ की अगर बात करें, एक बाइक में लगता है, एक गाड़ी में लगता है। तो यहाँ पे सोच सकते हो आप, ऐसे सीसी को हॉर्स पावर से कभी भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, इंजन के डिज़ाइन के ऊपर होता है, और साथ में उसकी RPM कहाँ तक जा रही है इस इंजन की, टॉर्क कहाँ तक जा रही है, सारा चीज़ मैटर करता है। सारा चीज़ मैंने डिटेल में बात किया उस प्लेलिस्ट में। और अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी और भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में देखता हूँ, सभी का कमेंट देखता हूँ, और कमेंट के ऊपर ही आगे वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। और अभी कुछ दिन था थोड़ा ऐसे डिले होगा वीडियोस का, लेकिन अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, इसी कारण से ही डिले होता है एक्चुअली। तो ये वीडियो बस ऐसे ही रैंडम था, एक बस आई ओपनिंग वीडियो था। तो आशा करता हूँ ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।